हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टारगेट विद आलोक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, कल हम लोगों ने कल परसों पर्सनल पोएट्री के हिस्ट्री ऑफ सनेट, हिस्ट्री ऑफ एलजी की विस्तार से चर्चा कर ली। नाउ टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ ओड। आज हम लोग ओड, अंग्रेजी साहित्य में ओड कैसे आया, किसके द्वारा आया, और इंग्लिश लिटरेचर में प्रसिद्ध ओड राइटर कौन है, आज विस्तार से इसकी चर्चा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द वर्ड ओड। ओड है क्या? तो ओड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ओडीन। ओडीन, ओ डी ई आई एन, ग्रीक भाषा का एक शब्द है ओडीन, और ओडीन का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ एड्रेस। सॉन्ग ऑफ एड्रेस या फिर सॉन्ग ऑफ इन्वोकेशन, सॉन्ग ऑफ इनवो ओकेशन। हिंदी में आप चाहें तो इसको संबोधन गीत कह दें, संबोधन गीत या आवाहन गीत। जब हम किसी सत्ता को, किसी व्यक्ति को, एनी पर्सन, एनी एंटिटी, वेदर बी इट कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, सीन और अनसीन, उस सत्ता को अगर हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं गीतों के माध्यम से, तो उस तरह के गीत को, उस तरह की रचना को हम ग्रीक में ओडीन कहा जाता था, और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, ओड। सॉन्ग ऑफ एड्रेस और सॉन्ग ऑफ इन्वोकेशन। So now we should know about the origin of ode. Ode की उत्पत्ति कहां से होती है और ode के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में लोग क्या कहते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा जो है करना जरूरी है। तो डियर, मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि about the origin of ode, there are two traditions prevalent in the history of English. ओड की उत्पत्ति के बारे में दो परंपराएं प्रचलित हैं, and two traditions which state that ओड was originated in ओडीन district ऑफ ग्रीक। यूनान के दक्षिण में एक डिस्ट्रिक्ट है, इलाका है, वहां पर पिंडार नाम का एक बार्ड रहा करता था। डेरीन डिस्ट्रिक्ट है। यूरोपियन ट्रेडिशन सेज, दैट ओड वॉज ओरिजिनेटेड in Derin district, of Greek।
यूरोपीय परंपरा ये कहते हैं कि ओड की उत्पत्ति यूनान के डेरीन इलाके में हुई थी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज composed by Pindar. पिंडार एक बार्ड था, बार्ड कहते हैं चारण को, जो गीत गाते हैं, प्रशंसा गीत गाते हैं, किसी के शान में कसीदे पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को बार्ड कहते हैं. तो यूरोपियन ट्रेडिशन स्टेट्स दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ओड वाज संग बाय पिंडार. पिंडार वाज ग्रीक बार्ड. He lived in Derin district of Greek के Derin इलाके में पिंडार रहता था. और कहा यह जाता था कि पिंडार ने सबसे पहले संबोधन गीत या ओड की रचना की. Since he lived in Derin district, so the ode he is composed is also known as Derian ode. कहीं कहीं पर डोरियन भी कहते हैं, दोनों एक ही है. डोरियन ओड और पिंडारिक ओड. पिंडारिक ओड क्योंकि डेरीन इलाके में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए ओड को हम पिंडारिक ओड भी कहते हैं. और ये पिंडार के द्वारा रचा, सॉरी डेरियन ओड भी कहते हैं, क्योंकि ये पिंडार के द्वारा पहली बार रचा गया था. पहली बार इसका कंपोजिशन और गायन पिंडार के द्वारा हुआ था, इसीलिए इसको हम पिंडारिक ओड भी कहते हैं. एंड इटालियन ट्रेडिशन सेज दैट ओड वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया. इटालियन परंपरा ये कहती है कि ओड की उत्पत्ति वह हिंदुस्तान में हुई. नॉट ओनली ओड माय डियर फ्रेंड्स, एवरी फाइन आर्ट्स वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया. मैं केवल ओड की ही बात नहीं करूंगा, बल्कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्येक तरह की जो ललित कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स हैं, उसकी उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई थी. किसी भी की तरह की कला को आप ले लें, चाहे वो पेंटिंग की बात हो, चाहे वो डांसिंग की बात हो, नृत्य कला की बात हो, पाक कला की बात हो, या फिर गायन वादन कला की बात हो, चित्र कला की बात हो, जितने भी तरह के आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स, ललित कलाएं, उसका जन्म हिंदुस्तान की धरती पर हुआ था. तो इटालियन ट्रेडिशन सेज दैट ओड for the first time was originated in India because world's oldest creation, the Vedas, are written in ओड form. विश्व की जो प्राचीनतम रचना वेद है, उसकी रचना किस form में हुई है? ओड form में. In Vedas, some divine entities, god or goddesses, are addressed directly. तो जब विश्व की प्राचीनतम रचना वेद को माना जाता है, और वेद किस फॉर्म में लिखे गए हैं? ओड के रूप में लिखे गए हैं. तो it is automatically proved that ode was originated in India. And in this respect, Italian tradition is far right. सही कहती है इटालियन परंपरा कि ओड की उत्पत्ति हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, क्योंकि विश्व की जो प्राचीनतम रचना वेद है, वो संबोधन के रूप में लिखी गई है या ओड फॉर्म में लिखी गई है. क्योंकि जितने भी वैदिक गॉड और गॉडेसेस हैं, उनको किस रूप में संबोधित किया गया है?
हम सभी लोग बचपन में प्रेयर करते हैं या संस्कृत के बहुत से श्लोक हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। ज्यादातर लोग नवरात्रि के महीने में देवी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो या का मतलब होता है हे, और हे का मतलब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। तो इटालियन परंपरा ये कहती है कि ओड की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई और विश्व के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं हिंदुस्तान के, वो किस रूप में लिखे गए हैं, ओड फॉर्म में लिखे गए हैं। बट यूरोपियन ट्रेडिशन इज फिल्ड विथ प्रेजुडिस नोशन। एक पूर्वाग्रह ग्रसित अवधारणा है कि ओड की उत्पत्ति को मानते हैं कहां पर, कि ग्रीक के डेरीन इलाके में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला भी होता है और इलाका भी होता है, जिसको डेरीन इलाके में इसके रचना होने के कारण इस तरह के ओड को डेरियन या डोरियन ओड भी कहा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज कंपोज बाई पिंडार, hence it is also known as पिंडारी कोड। और जैसा कि शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओड चूंकि सांग ऑफ एड्रेस है, संबोधन गीत है, तो किसी सत्ता को, चाहे मूर्त रूप हो या अमूर्त रूप हो, सीन और अनसीन एंटिटी हो, सम लोअर और हायर एंटिटी हो, उसको जब डायरेक्टली एड्रेस करके कोई गीत लिखा जाए तो ओड कहलाता है। लेकिन एक चीज और भी है कि द सब्जेक्ट ऑफ ओड शुड नॉट बी मीन, द थीम ऑफ ओड मस्ट बी डिग्निफाइड। ओड में जितनी भी चीजों का, किसी भी सत्ता को अगर हम संबोधित करें तो वो सत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए, सम गॉड और गॉडेसेस होनी चाहिए। कुछ अदृश्य सत्ताओं का भी संबोधन, फॉर एग्जाम्पल I would like to place the example of Selly's ode to the west wind. Wind cannot be seen. West wind is unseen. Yet Shelley addresses him as a living being. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ode एक तरह का संबोधन गीत है। Now let's discuss about the characteristics of पिंडारी कोट। पिंडारी कोट की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में जो है थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिंडारी कोट। तो पिंडारी कोट को इसकी विशेषता ये होती है, पहली बात तो यह है कि कोरिक होता है। कोरिक मींस इट इज ऑलवेज संग इन कोरस फॉर्म। समूह गान है ये, इट इज नॉट मेलिक, इट इज नॉट रिटन फॉर द रिसाइटेशन ऑफ ए सिंगल पर्सन। इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज संग, इट इज परफॉर्म्ड इन कोरिक वे। तो पहली बात तो ये कि पिंडारी कोड हमेशा समूह के रूप में, समूह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसीलिए हम इसको कोरिक भी कहते हैं। और दूसरी चीज यह है कि पिंडारी कोड में तीन स्टेप होते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स? देयर आर थ्री स्टेप्स इन पिंडारी कोड। द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज स्ट्रॉफी, STROPHE। द सेकेंड स्टेप इज नोन एज एंटी स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी। पिंडारी कोट का जो दूसरा स्टेप है उसको हम एंटी स्ट्रॉफी कहते हैं, और थर्ड स्टेप जो इसका होता है ईपोड होता है, EPODE, ईपोड। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपोड। Now what is strophe, anti-strophe? So we should know that these are movements. ये गतियां हैं, movement हैं। जैसा कि पिंडारी कोड हमेशा समूह के रूप में, एक समूह गान है,
the bands of singers and dancers, when they make movement from right to left, it means anti-clockwise. जब नर्तकों और गायकों का समूह दाएं से लेकर के बाएं की ओर गति करता है तो उस चरण को कहा जाता है स्ट्रॉफी. फिर से एक बार सुन लिया जाए कि when the group of singer and dancer make movement from right to left, that is to say when they make movement from left to right, जब right to left, जब दाएं से बाएं की ओर गति करते हैं तो उस स्टेप को कहा जाता है स्ट्रॉफी. नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ पिंडारी कोड स्टार्ट्स विथ एंटी स्ट्रॉफिक, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. नाउ द बैंड ऑफ सिंगर एंड डांसर मेक मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ये ध्यान रखिएगा कि मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस. तो स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी ये दोनों क्या है? मूवमेंट है, गतियां हैं. और ये गति किसके द्वारा की जाती है? उस गायकों और नर्तकों के समूह के द्वारा जो साइमल्टेनियसली दे गो ऑन सिंगिंग एज एंड डांसिंग ऑल्सो. तो जब वो राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट करते हैं तो उस स्टेप को स्ट्रॉफी, और फिर क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होता है यानी कि बाएं से जब दाएं की ओर नर्तकों और गायकों का समूह मूवमेंट करता है, गति करता है, तो उस स्टेप को कहा जाता है एंटी स्ट्रॉफी. Now what about apod? Apod is stand still. Stand still means apod में क्या होता है कि dancing stops, नाचना बंद हो जाता है, singing goes on. एपोड में समूह का नाचना तो बंद हो जाता है लेकिन गायन जारी रहता है. और जबकि स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी में बोथ एक्शन सिंगिंग एंड डांसिंग गो टुगेदर, लेकिन एपोड में नाचना बंद हो जाता है फिर जो है गायन जारी रहता है और इसके बाद फिर वही स्टेप शुरू हो जाता है स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी का. इस तरह से ये चीजें जो है चलती रहती हैं. तो एक चीज पिंडारी कोड जो है हमेशा क्या कोरिक होता है, नेवर मेलिक. कभी भी इसको एकल गान के रूप में पेश नहीं किया जाता है, हमेशा इसकी प्रस्तुति किस रूप में होती है? समूह गान के रूप में होती है. दिस मच इज क्लियर आई थिंक. थोड़ा अब हम लोग ये चर्चा करेंगे, पिंडारी कोड की तो बात हो गई, और पिंडारी कोड ये भी ध्यान रखिएगा इट इज वेरी प्रेसिशन कंपोजिशन, बड़ी नाजुक सटीक रचना होती है. इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कम कवियों ने जो है इसका प्रयोग किया है, नेमली अ फ्यू. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे कंपोज्ड टू वर्ड्स, द बार्ड एंड प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री. ये दोनों वर्ड जो है पिंडारी के स्टाइल पर हैं, और वर्ड्सवर्थ का है An intimation of immortality of child, ये जो है पिंडारी कोड है. As I told you that पिंडारी कोड is quite difficult composition. It is a quite precision composition. So a few poets in English literature dared composed पिंडारी कोड.
एक दूसरी तरह का जो है ओड है, जिसको हम होरेशियन ओड कहते हैं, होरेशियन ओड. वन थिंग ऑल्सो यू मस्ट बी हियर इन योर माइंड दैट पिंडारिक ओड इज कोरिक. और दूसरी चीज क्या होती है कि पिंडारिक ओड इज रेगुलर, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पिंडारिक ओड इज रेगुलर. पिंडारिक ओड हमेशा क्या रेगुलर है, रेगुलर इन द सेंस कि एक निश्चित अंतराल पर एट ए फिक्स्ड इंटरवल देयर इज रिकरेंस ऑफ स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी एंडी पोड. इसीलिए पिंडारिक ओड को क्या कहा जाता है, रेगुलर ओड कहा जाता है. अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक दूसरे तरह के ओड, होरेशियन ओड कहते हैं. होरेशियन ओड को एक और नाम से जानते हैं डियर, और वो नाम है लेस्बानिक, लेस्बानिक ओड, लेस्बानिक ओड. लेस्बान के बारे में या होरेश के बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफिंग मैं जरूरी समझता हूं. होरेश वॉज कंटेम्परेरी ऑफ जूलियस शेक्सपियर, शेक्सपियर का समकालीन था. In 44 BC, Caesar was assassinated by Republicans, Brutus, Cassius, Casca, Cinna, Metellus, Cimber. ये लोग कैपिटोल में, कैपिटल नहीं कैपिटोल, प्राचीन रोम की संसद कैपिटोल नाम के एक पहाड़ी पर स्थित थी, तो उस संसद का नाम भी क्या कैपिटोल. 44 BC में सीजर का असैसिनेशन होता है, राजनीतिक हत्या को असैसिनेशन कहा जाता है. इसके बाद पूरे रोम में एक सिविल वार छिड़ जाता है, पूरा रोम दो भागों में बंट जाता है. एक तो रिपब्लिकनिस्ट थे और दूसरे क्या जो जूलियस सीजर के सपोर्टर थे. जूलियस सीजर का भतीजा था जिसको एडॉप्ट कर रखा था जूलियस सीजर ने, ऑक्टेवियस सीजर. सार्डिनिया का उस समय गवर्नर था एंटनी. सीजर के असैसिनेशन के बाद संदेशा भेजता है ऑक्टेवियस सीजर को, ऑक्टेवियस सीजर आता है तो लेपिडस, ऑक्टेवियस सीजर और एंटनी ये एक पक्ष बनाते हैं और दूसरे पक्ष में ब्रूटस, कैसियस, कास्का ये लोग रहते हैं. फिलिप्पी के मैदान में युद्ध होता है और फिलिप्पी के मैदान में रिपब्लिकन्स लोग हार जाते हैं. ब्रूटस आत्महत्या कर लेता है, कैसियस आत्महत्या कर लेता है, कास्का मारा जाता है. लेकिन जो होरेश है वो भी किसके पक्ष में लड़ा था, ब्रूटस और कैसियस के पक्ष में. और जब रिपब्लिकन्स लोग हार जाते हैं फिलिप्पी के मैदान में, तो होरेश को कैप्चर कर लिया जाता है, उसको कैद में रखा जाता है. ऑक्टेवियस सीजर होरेश की हत्या करना चाहता है लेकिन एंटनी इंटरवीन करता है, बीच बचाव करता है और ये कह करके रिक्वेस्ट करता है ऑक्टेवियस सीजर से कि होरेश पोएट भी है और इसको जो है प्राणदंड से मुक्त किया जाए. ऑक्टेवियस सीजर होरेश को लेस्बान इलाका, इट वॉज द हिली रीजन ऑफ इटली, ऑक्टेवियस सीजर अलॉटेड होरेश द लेस्बान रीजन ऑफ इटली एंड देयर होरेश लिव्ड फॉर 20 इयर्स एंड ड्यूरिंग दीज 20 इयर्स ही रोट 3 books on ode. Ode की उसने जो है 3 किताबें लिख दी और एक क्रिटिकल कमेंट्री भी लिखा उसने आर्स पोएटिका, हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म जब उठाया जाएगा थोरेश के आर्स पोएटिका की भी चर्चा होगी. आज वो क्रिटिकल कमेंट्री की चर्चा करना
कोई जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि होरेस ने ओट के ऊपर जो है तीन किताबें लिखी हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम होरेशियन ओट्स वर नॉट पॉपुलराइज्ड। होरेशियन ओट उसके जीवन काल में पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। थ्री इटालियन पोएट्स कैटुलस बायन, कैटुलस बायन एंड मोस्कस नहीं पढ़ते हैं, मोकस पॉपुलराइज्ड पॉपुलराइज्ड होरेशियन ओड। होरेशियन ओड या लेस्बानी कोड को, जैसा मैंने कहा कि होरेस के जीवन काल में तो लोकप्रियता नहीं मिल सकी, लेकिन होरेस के मरने के बाद इटली के तीन पोएट्स कैटुलस बायन और मोकस, इन लोगों ने होरेशियन ओड को पॉपुलैरिटी प्रदान की। एनीवे, होरेशियन ओड क्या होता है कि होरेस एबॉलिश्ड द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपोर्ट एस्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपोर्ट एंड ई पोड होरेस ने जो झंझट थी पिंडारी कोड में स्ट्राफी एंटी स्ट्राफी और रिपोर्ट की, इस झंझट को खत्म कर दिया। और ये आप कह सकते हो कि होरेस सिंप्लीफाइड पिंडारी कोड को सरल बनाने का काम होरेस ने किया। और दूसरी चीज ये भी है कि होरेशियन ओड इज इररेग्युलर, ये ध्यान रखिएगा। पिंडारी कोड जो है वो रेगुलर है, रेगुलर इन द सेंस एट ए फिक्स्ड इंटरवल रिकरेंस ऑफ स्ट्राफी एंटी स्ट्राफी एंड ईपोक टेक प्लेस, बट होरेस सिंप्लीफाइड, ही ड्रॉप्ड आउट द स्टेप्स ऑफ स्ट्राफी एंटी स्ट्राफी एंड ईपोक, पूरी तरह से इस झंझट को खत्म किया। इसीलिए होरेशियन ओड को क्या कहा जाता है, इररेग्युलर ओड। और डियर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये तो थोड़ा सा ब्रीफिंग हो गई कि ओड कितने तरह के होते हैं। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट में आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, और इफ यू सो लाइक यू कैन हियर एंड बियर दिस फैक्ट इन योर माइंड that in English literature, ये हायर में भी है, नेट में भी प्रश्न है, in English literature Horatian ode was introduced by
Horatian ode was introduced by Abraham Cowley. Abraham Cowley in 1565. Okay. My dear friends, if any sort of information you find it relevant, then do let me know. 1565 में, if I am right, अब्राहम कावले ने होरेशियन ओड को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था. तो अब ये देखना है कि फेमस ओड जो है इंग्लिश लिटरेचर में कौन से हैं. सो आई वुड सीक द हेल्प ऑफ पीडीएफ. सो द मैटर इज डिस्प्लेड बिफोर यू. फेमस ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं इसे. जॉन डन रोट हिम टू गॉड द फादर, हिम टू गॉड द फादर. मिल्टन ने ओड लिखा ऑन क्राइस्ट नेटिविटी. एंड्रयू मार्वेल ने ओड की रचना की, टाइटल है अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड. और उसका जो दूसरा ओड है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. ड्राइडन का ओड है एन कैलिंग्रू. और उसका दूसरा ओड है एलेक्जेंडर्स फीस्ट. और तीसरा अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे. थॉमस ग्रे ने दो ओड लिखे, जैसे कि अभी चर्चा हो चुकी है, द बार्ड और प्रोग्रेस ऑफ पोएसी. इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट दीज टू ओड्स आर कंपोज्ड ऑन पिंडारिक स्टाइल. तो ये पिंडारिक हैं. और कॉलिंस ने ओड टू इवनिंग लिखा. वर्ड्सवर्थ ओड टू ड्यूटी. और थोड़ा सा ये वर्ड्सवर्थ ओड टू ड्यूटी और ऑन इंटीमेशन है, स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा डियर. मैं ये माजरत के साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती. इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ये भी बेस्ड ऑन द ओड स्ट्रक्चर गिवन बाय पिंडारिक, आर यू कैन से पिंडारिक ओड. कॉलरिज ने लिखा ऑन डिजेक्शन. शेली ने ओड टू द वेस्ट विंड. दूसरा है टू अ स्काई लार्क. तीसरा टू द मून. और चौथा ओड है उसका टू नाइट और टू जेन. किड्स, ये भी ध्यान रखिएगा डियर, इमॉर्टल ओड राइटर इन वर्ल्ड लिटरेचर. किड्स जो है पूरे विश्व साहित्य में एक अमर ओड राइटर है. किड्स जैसा ओड आज तक विश्व साहित्य में आज तक किसी ने नहीं लिखा है. और ऐसा भी कहा जाता है लिखने की कोई संभावना भी नहीं है. वेरियस एरुडाइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड स्कॉलर्स हैव स्टेटेड, दे आर यूनेनिमस ऑन दिस मैटर, दैट इफ अदर वर्क्स ऑफ किट्स आर ड्रॉप्ड आउट, हिज ओड्स रिमेन ओनली. दे विल बी सफिशियंट टू गिव किट्स एन इमॉर्टल प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर. किट्स की अगर अलग रचनाओं को निकाल भी दिया जाए और उसके केवल ओड ही बचे रहें, तो अंग्रेजी साहित्य में एक अमर मुकाम देने के लिए किट्स के ओड ही पर्याप्त हैं. किट्स ने टू ऑटम लिखा, टू ग्रेशियन अर्न लिखा, टू साइकी लिखा, ऑन मेलंकली लिखा, ऑन मेलंकली और ऑन इंडोलेंस. और दूसरा है टू पोएट्स. बायरन, बायरन ने ओड टू नेपोलियन और ओड टू थॉमस मूर. तो ये अमर इमॉर्टल ओड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के. आज ओड की ब्रीफ हिस्ट्री जो है समाप्त हुई. कल पर्सनल पोएट्रिक का एक पार्ट बचा रह गया है, लिरिक. लिरिक की कल चर्चा होगी. एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेल अवेयर दैट टीजीटी पीजीटी आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, लिटरेचर सेक्शन एंड लैंग्वेज सेक्शन.
So I think it quite necessary to reach to you with some language. So kal hum log, ya agar samay milta hai, to kal hum log thoda sa basic concept of language ki bhi charcha karenge. और इतना जरूर भरोसा देता हूं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी लैंग्वेज में रही है, सॉरी टू से, बेटर इरेडिकेट दैट ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज फ्रॉम योर माइंड. गॉड विलिंग वी विल रीड अबाउट न्यू कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. गॉड ग्रांट यू एक्सेलेंट सक्सेस. माई ऑल गुड विशेज आर विद यू. थैंक यू वेरी मच.